असलम वेलकम टू जे के सिविल सर्विसज सो आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वोचर अप्रोच इन अकाउंटिंग पे आप सबको अब अकाउंटिंग की नॉलेज होगी बिकॉज द एग्जाम्स आर वेरी नियर सब ने अकाउंट्स पढ़ी होगी आप खुद भी जानते होंगे जो ये वोचर अप्रोच इन अकाउंटिंग है मीन जो वोचर का चैप्टर अकाउंटिंग में अकाउंटिंग में है इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर we have few vouchers just like the debit voucher, credit voucher, debit note, credit note, cash memos, and something like that internal, and external. लेकिन हमारे पास वो पचास साठ वोचर्स नहीं हैं. वोचर सबसे छोटा चैप्टर माना जाता है अकाउंटिंग का बट स्टिल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे चैप्टर छोटा हो या बड़ा हो वी हैव टू डील विद दिस लेकिन जो वोचर की क्वेश्चन आते हैं ना कुछ ही वोचर्स है ये इंटरलेटेड आते हैं इंटरलेटेड कभी कभार इंसान को ख्याल ही नहीं रहता यहाँ पे कौन सा वोचर आएगा सो द क्वेश्चन आर इंटरलेटेड हेयर टू आपको कंसनट्रेट करना है ताकि आपको एग्जाम में गलती ना हो सो लेट इज स्टार्ट पहला ही क्वेश्चन है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू आपको बोलना है नीचे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है पहला ही है बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स मस्ट बी सपोर्टेड बाई अप्रोप्रेट डॉक्यूमेंट्स जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है ना उनको सपोर्ट करनी चाहिए अप्रोपरेट डॉक्यूमेंट्स से तो बिल्कुल सही है दूसरी ऑप्शन है देर इज नो सेट देर यहाँ पर नो नहीं यहाँ पर यह मिसप्रिंट हुई है यहाँ पे देर इज सेट फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग वोचर्स वो भी ठीक है उनका अपना फॉर्मेट रहता है डी वाला पहले पढ़ते हैं अकाउंटिंग वोटर्स मस्ट बी प्रिजर्व टिल द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स एंड टैक्स असेसमेंट्स फॉर द रेलवेंट पीरियड आर कंप्लीटेड हमें उनको संभाल के रखना होता है टैक्स असेसमेंट हो कोई भी हमारी मतलब ऑडिट हो हमारा उस टाइम हमें वो ज़रूरत पड़ती है क्यों क्योंकि उस टाइम हम अपने वोटर्स को दिखाते हैं हमारी ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी बढ़ जाती है सो डी इज़ द राइट आंसर डी इज़ द करेक्ट वन अब देखते हैं सी सी वाली ऑप्शन क्या है कैश बुक इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं ये इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है सो द राइट आंसर इज सी कैश बुक इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट ये बोलता है जो कैश बुक है ना कैश बुक ये सोर्स डॉक्यूमेंट है लेकिन कैश बुक क्या है अगर आप देखेंगे ना इट्ज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर इट गिव्स ये मतलब इसमें हम दोनों इस ये दोनों का काम देता है जब हम कैश बुक इज इट्स अ सब्सिडरी बुक जब हम कैश बुक को बनाते हैं ना ये जर्नल का भी काम देता हैं लेजर का भी काम देता है बट इट इज नॉट अकाउंटिंग वोचर हाँ सो ये ये उसका स्टेटमेंट नहीं है सो द राइट आंसर इज कैश बुक इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट ये गलत है अब आप देखिए नीचे डैश इज आर सोर्स डॉक्यूमेंट्स आपको नीचे कुछ ऑप्शंस हैं आपको बोलना सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा है इनमें से मतलब कौन कौन है कैश मेमो है ठीक है पे इन स्लिप हाँ जब हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं इनवाइस ये भी हैं जब हम क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल करते हैं उस टाइम इन्वाइसिंग होती है या इसे बिलिंग कहते हैं बिल्स भी बिल्स भी इसे कहते हैं इनवाइस को बिल भी कहते हैं सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द बो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर अब आप ये वाला क्वेश्चन देखें ये वाला अकाउंटिंग अकाउंटिंग वोटर्स मे बी क्लासीफाइड एज कैश कैश वोटर्स डेबिट एंड क्रेडिट वोटर्स जर्नल वोचर्स। आपको क्या लगता है अकाउंटिंग वोचर्स में कैश वोचर्स भी होते हैं ये ठीक है डेबिट और क्रेडिट वोचर तो जरूर होता है ये भी है जर्नल वोचर भी तो होता ही है सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द ऑल ऑफ द द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अब आप देखिए ये वाला क्वेश्चन बुक्स इन विच प्राइमरी अकाउंटिंग इज डन बुक्स इन विच प्राइमरी अकाउंटिंग इज डन वो कौन सा वो कौन सा है नीचे हमें ऑप्शन में चूज करना है सोर्स डॉक्यूमेंट परचेज बुक कैश बुक बिल्स पेएबल ये नहीं है आपको किस में रिकॉर्ड करनी है ट्रांजैक्शन आप क्वेश्चन को समझें आपको नहीं है किस में रिकॉर्ड करनी है ट्रांजैक्शन जस्ट लाइक द जर्नल आपको कंसेप्ट आ जाएगा ये बोलता है जब हम प्राइमरी मतलब ऑन द बे जब हम पहली बार कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो किस बुनियाद पे हम करते हैं वो करते हैं हम ऑन द बेस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स जब तक हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे एक अकाउंटेंट कैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा सो द राइट आंसर इज सोर्स डॉक्यूमेंट्स अब आप इसे देखें विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इज वोचर वोचर किस टाइप का डॉक्यूमेंट है क्या वो कमर्शियल हैं क्या वो कमर्शियल और डोमेस्टिक हैं क्या वो डोमेस्टिक हैं क्या वो नन ऑफ दिज आपको क्या लगता है वोचर जो है ना इट्स अ कमर्शियल वोचर वोचर इज़ अ डॉक ये डॉक्यूमेंट होता है बट इट्स अ कॉमर्शल डॉक्यूमेंट हाँ ऐसे नहीं हम नहीं, हम ऐसे नहीं बनाते वोचर्स। वी मेक वोचर्स जब हम पेमेंट करते हैं जब हम सेल कर परचेज करते हैं सेल करते हैं रिटर्न होता है ये सारा बिजनेस का लेन देन होता है इसमें कॉमर्शल एक्टिविटीज आती हैं सो द वोचर इज अ कॉमर्शल डॉक्यूमेंट इज अ राइट आंसर अब देखिए ये वाला क्वेश्चन विच वोटर इज यूज फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स कौन सा वोटर हम यूज करते हैं जब हम पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स को नीचे ऑप्शंस हैं क्रेडिट वोचर डेबिट वोचर पे इन स्लिप नन ऑफ डेज आपको इनमें से ऑप्शन चूज करना है आप जानते ही होंगे जब हम पेमेंट करते हैं जब हम पेमेंट करते हैं ना उस टाइम हम डेबिट वोचर बनाते हैं जब हम पेमेंट करते हैं ना उस टाइम हम डेबिट वोचर बना बनाते हैं आपको ऐसे नहीं सोचना है कैश व्हाट कम्स इन अगर आप ऐसे ही सोचेंगे ना कैश व्हाट कम्स इन वो डेबिट होगा कैश व्हाट गोज़ आउट वो क्रेडिट होगा ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल का रूल है हम ट्रांजेक्शन्स नहीं कर रहे हैं यहाँ पे जब हम पेमेंट करते हैं ना हम डेबिट व बनाते हैं कैसे बनाते हैं डेबिट वोचर हम उस आगे वाले बंदे के परस्पेक्टिव में ऐसे करते हैं जैसे डेबिट द रिसीवर हमने पेमेंट की वो रिसीवर बन गया वो क्या बन गया जैसे हमने मिस्टर ए को पेमेंट की मिस्टर ए ने क्या लिया हमसे पैसे और डेबिट क्या होता है डेबिट द रिसीवर इन केस ऑफ सच एंटिटी जिसने पैसे लिए डेबिट द रिसीवर उसके प्रस्पेक्टिव में हम इसे बनाते हैं इसीलिए डेबिट वोचर होता है आपको ख्याल रखना है आपको क्रेडिट वोचर कभी नहीं करना है आपको नहीं देखना है कैश इन कैश आउट वो नहीं होता है यहाँ पे एज पर द एंटिटीज परस्पेक्टिव वी मेक द वोचर्स सो वो एंटिटी वो बंदा ले रहा है पैसे वो रिसीव कर रहा है डेबिट द रिसीवर वो मेक हेयर द डेबिट वोचर सो द डेबिट वोचर इज़ द राइट आंसर अब आप ये वाला क्वेश्चन देखें हाउ मनी टाइप्स ऑफ कैश वोचर्स आर देयर कैश वोचर्स कितने टाइप के हैं ये आप सबको पता होगी ये दो ये कैश वोचर है ना इसकी दो टाइप्स हैं एक है डेबिट वोचर डेबिट वोचर एक है क्रेडिट वोचर डेबिट कब बनाते हैं हम जब पेमेंट करते हैं जब पेमेंट करते हैं क्रेडिट वोचर कब होता है जब हम रिसीव करते हैं पेमेंट को जब कोई हमें देता है पैसे जब हम पैसे लेते हैं तो यहां पे आंसर क्या आएगा डी कैश वोचर्स के कितने टाइप हैं दो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर अब आप यहां देखें विच वोचर इज यूज फॉर कैश सेल ऑफ एसेट्स क्या सेल ऑफ एसेट्स हम कर रहे हैं हम कौन सा वोचर बनाएंगे हम क्रेडिट वोचर बनाएं हम पे इन स्लिप बनाएं हम डेबिट वोचर बनाएं हम नन ऑफ डीज बनाएं अगर हम कैश सेल ऑफ एसेट्स कर रहे हैं ना हम सेल कर रहे हैं एसेट की एसेट की हमने एसेट को बेचा वहाँ से क्या आएगा वहाँ से पैसा आएगा कैश आएगा तो जब कैश आता है हम क्या बनाएंगे उस टाइम हम बनाएंगे उस टाइम रिसेप्ट वोचर और उसे क्या कहते हैं क्रेडिट वोचर बनाएंगे क्रेडिट वोचर क्यों क्योंकि उसने हमें दिया उसने हमें दिया इसीलिए हमने पेमेंट ली हमने पैसा लिया इसीलिए यहां पे बनेगा क्रेडिट वोचर अब आप यहां देखें विच नोट इज प्रिपेयर्ड ऑन द टाइम ऑफ गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर बोलते हैं जब हम सप्लायर को रिटर्न करेंगे गुड्स हमने परचेज़ किए हैं हम कब करेंगे सप्लायर को रिटर्न जैसे हमने परचेज किया है सप्लायर से हाँ अब हमें लगा इसमें कुछ डिफेक्ट है हमें लगा इसमें कुछ डिफेक्ट है हम कुछ रिटर्न करेंगे लेकिन उस टाइम हम क्या बनाएंगे उस टाइम बनता है डेबिट नोट डेबिट नोट बनाते हैं हम जब हम परचेज रिटर्न करते हैं सप्लायर को हमने गुड्स रिटर्न किए मीन्स वी डिड परचेज रिटर्न सो द राइट आंसर इज डेबिट नोट अब यहां देखें फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग वोचर्स अकाउंटिंग वोचर्स के कुछ फीचर्स हैं एंड यू हैव टू लुक ऑप्शन में आपको देखना है ये रिटिन डॉक्यूमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन करते हैं एनालिसिस ट्रांजेक्शन्स की होती हैं तो आपको क्या लगता है कौन सा राइट right आंसर है ऑल ऑफ द एबो इज़ द राइट आंसर वोटर हमेशा रिटिन डॉक्यूमेंट होता है और ये एविडेंस मतलब ये विटनेस होता है एक किस्म से आप समझिए ये विटनेस होता है हम बोलते हैं ये एविडेंस है हमारी किसकी ट्रांजैक्शन की अब ट्रांजैक्शन मतलब खुद बात करती है ट्रांजैक्शन को कौन सपोर्ट करता है हाँ ये ट्रांजैक्शन हुई है दैट्स अकाउंटिंग वोचर्स वो बोलते हैं ये ट्रांजैक्शन सच में हुई है और इसमें हम एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन भी करते हैं सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दैब यहाँ पे क्वेश्चन है वोचर क्या है क्या वो रिटर्न एविडेंस है क्या वो रिटर्न औरल हैं क्या वो ऑरल एविडेंस है क्या नॉन ऑफ दीज है अभी मैं आपको बोल रही हूं वाउचर रिटन रिटन एविडेंस होती है वाउचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट सो इट इज अ रिटन एविडेंस राइट आंसर ये है अब देखिए वाउचर इज अ वाउचर क्या है वाउचर पे देखो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है ये घुमा फिरा के आपको पूछ सकता है आप अच्छे से ध्यान रखें वोचर इज़ अ डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एनी एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन वॉय रिसीव फ्रॉम सप्लायर इशू टू द कस्टमर फॉर कैश रिसीवड इसमें क्या ये सारा आता है वोचर में ये सारा होता है ये सपोर्ट करती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ट्रांजेक्शन को भी वोचर हम तब भी बनाते हैं इन वॉयस रिसिव फ्रॉम सप्लायर वो भी वोचर होता है रिसेप्ट इशू टू द कस्टमर वो भी वोचर है राइट आंसर आप ये वाला क्वेश्चन देखें, वेन गुड्स बाय द कस्टमर वेन गुड्स आर रिटर्न बाय द कस्टमर रिटर्न बाय कस्टमर अ डॉक्यूमेंट इज प्रपेयर बोलते हैं जब हमारा कस्टमर है ना कस्टमर बिजनेस के होते हैं ना कस्टमर्स जो कस्टमर है ना उसने हमसे माल लिया था अब उसको कुछ गड़बड़ी उस गुड्स uh, में लगी ठीक नहीं लगा या ब्रोकेज होगा कुछ मसला हुआ होगा अब वो वो वापस भेजेगा क्या भेजेगा उन गुड्स को वापस भेजेगा हमारा कस्टमर तो ये क्या होता है मीन्स ये सेल्स रिटर्न हुई सेल्स हुई हमने सेल की थी अब वो वापस आ गई सेल्स रिटर्न के टाइम कौन सा वोटर बनता है दैट्स क्रेडिट नोट राइट आंसर इज क्रेडिट नोट जब हमारी सेल्स वापस आ जाती है हम प्रिपेयर करते हैं क्रेडिट नोट को अब क्वेश्चन है डेबिट नोट इज इशूड डेबिट नोट कब हम इशू करेंगे वैन गुड्स रिटर्न टू आस वैन गुड्स रिटर्न टू सप्लायर वैन वी परचेज एनी एसेट नन ऑफ दै वो आपको पता है डेबिट नोट कब बनता है डेबिट नोट बनता है आपको ऐसे भी रखना है याद डेबिट नोट बनता है जब परचेज रिटर्न होता है परचेज रिटर्न अब आप खुद ही देखिए ऊपर परचेज रिटर्न किस में हुआ है वैन गुड्स रिटर्न टू तो आस वैन गुड्स रिटर्न टू तो सप्लायर देखिए डेबिट नोट होता है डेबिट नोट होता है जब परचेज रिटर्न हो जब परचेज रिटर्न हो वैन गुड्स रिटर्न टू जब हमें ही गुड्स वापस आएंगे उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न बिजनेस ने माल बेचा था वो वापस आया उसने सेल की थी वो वापस आया दैट्स अ सेल्स रिटर्न मीन्स ये नहीं है वैन गुड्स रिटर्न टू सप्लायर हमने सप्लायर से कुछ लाया था जैसे रॉ मटीरियल लाया था या कुछ और लाया था वो हमने अब वापस किया सप्लायर को तो क्या हुआ परचेज की थी हमने आप purchase return so right return अब परचेज को रिटर्न किया सो द राइट आंसर इज़ वैन गुड्स रिटर्न टू सप्लायर आपको ख्याल रखना है आप कभी इसको टिक नहीं करेंगे वैन गुड्स रिटर्न टू आस ये सेल्स रिटर्न बनता है परचेज़ रिटर्न यहाँ पे बनता है डेबिट नोट परचेज रिटर्न के टाइम ही बनता है वैन गुड्स रिटर्न टू सप्लायर इज़ द राइट आंसर अब यहाँ देखें क्रेडिट नोट इज प्रपेयर्ड क्रेडिट नोट इज प्रपेयर कब बनाएंगे वैन क्रेडिट इज गिवन टू द अकाउंट वैन डेबिट इज गिवन टू द अकाउंट बोथ ए एंड बी नन ऑफ द एबो कौन सा ऑप्शन आपको इसमें लगता है हम कब बनाते हैं क्रेडिट नोट क्रेडिट नोट बनता है क्रेडिट नोट बनता है जब सेल्स रिटर्न होती हैं सेल्स रिटर्न होती हैं मींस वो बंदा है ना वो हमें वापस बेचता है वो गिवर बनता है क्या बनता है गिवर व्हेन क्रेडिट इज गिवन टू द अकाउंट राइट आंसर इज व्हेन क्रेडिट इज गिवन टू द अकाउंट आपको समझ आ रहा है मैं फिर से समझाऊंगी ये बोल रहा है हम कब नीचे कुछ ऑप्शंस हैं क्रेडिट नोट कब बनाएंगे क्रेडिट नोट होता है क्रेडिट नोट कब बनता है जब सेल्स रिटर्न होती हैं सेल्स रिटर्न आप समझिए मिस्टर ए ने हमें पाँच सौ की गुड्स वापस बेचे हैं मिस्टर ए मिस्टर ए ने पाँच सौ की गुड्स वापस बना बेचे हैं अब देखिए यहाँ पे मिस्टर ए का अकाउंट है ये मिस्टर ए का अकाउंट है यहाँ से डेबिट है यहाँ से क्रेडिट है क्रेडिट कब हम करेंगे पर्सनल अकाउंट को डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हम पाँच सौ यहाँ लगाएंगे यहाँ से इसने बाय गुड्स रिटर्न इसने रिटर्न किए गुड्स बाय गुड्स रिटर्न क्रेडिट साइड में क्योंकि ये गिवर बना डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर हम इसको क्रेडिट करेंगे इसने पाँच सौ गुड्स वापस लाएं सो व्हेन क्रेडिट इज गिवन टू अकाउंट इज़ द राइट आंसर आपको ख्याल रखना है अगर आपको वैसे क्वेश्चंस आए आप वहां पे अपनी जगह थोड़ा सा अकाउंट बनाएं पर्सनल अकाउंट बनाएं फिर देखें इफेक्ट क्या होता है ट्रांजैक्शन का उसी के हिसाब से आपको अकाउंट बनाना है उसी के हिसाब से आपको ऑफिशंस को टिक करना है अब यहां देखें एग्जाम्पल ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट इज सोर्स डॉक्यूमेंट की एग्जाम्पल बोलनी है कैश मेमो इन वॉइस रिसेप्ट ऑल ऑफ द एबो आपको सोर्स डॉक्यूमेंट की एग्जाम्पल्स बोलनी है तो ये सारी आएगी सोर्स डॉक्यूमेंट्स में ये सारे आएंगे कैश मेमो भी है सोर्स डॉक्यूमेंट इनवाइस भी रिसेप्ट भी सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबो अब यहां देखें रामेश बाईज गुड्स ऑन क्रेडिट रामेश बाईज गुड्स ऑन क्रेडिट इसने उधारी पे कुछ लिया था कर्जे पे लिया था फ्रॉम लारा लारा से अब समझिए लारा एक बिजनेसमैन है एक शॉप रामेश वहाँ पे गया इसने वहाँ से कुछ लाया था बट फाइंड दैट सम ऑफ दम आर फॉल्टी इसको कुछ आधे ब्रोकेज हुआ होगा या साइज़ के बराबर के नहीं होंगे कुछ और फॉल्ट होगा तो इसने क्या किया इसने इनको रिटर्न किया वट डॉक्यूमेंट वुड रमेश रिटर्न टू लॉरा विद द फॉल्टी गुड्स अगर रमेश ने परचेज़ की थी परचेज की थी अब इसको वो गुड्स ठीक नहीं लगे वो खराब है क्या वो अपने पास रखेगा बिल्कुल भी नहीं इसको वापस करना है उसको ये उसको वापस करेगा तो ये क्या करेगा ये परचेज़ रिटर्न करेगा क्या करेगा परचेज़ रिटर्न इसने परचेज की थी अब उसी को वापस करना है तो परचेज रिटर्न के टाइम पर कौन सा नोट बनता है

डिटेल्स को डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जैसे डिस्क्रिप्शन देते हैं क्वांटिटी देते हैं रेट दे देते हैं उसमें सप्लायर का नाम होता है रिसीवर का नाम होता है तो वो किस में होता है वो क्या अकाउंट में होता है वोचर में होता है जर्नल में होता है कि लेजर में होता है आप सब ने ठीक ही सोचा होगा राइट आंसर इज वोचर वोचर इज द राइट आंसर अब यहाँ देखें चक इज ड्रॉन अपॉन हम चक मतलब ड्रॉन किस पे करते हैं किस पे ड्रॉ करते हैं चक को नीचे ऑप्शंस हैं बरर बैंक राइट ऑफ चक नन ऑफ दू इसका राइट right आंसर है बैंक चक इज ऑलवेज ड्रॉन अपॉन अ बैंक राइट आंसर इज बैंक इसे आप ख्याल में रखें अब यहां देखें इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेबिट वोचर इज प्रपेयर्ड आपको नीचे कुछ ऑप्शन हैं। आपको बोलना है डेबिट वोचर हम किसने प्रपेयर करेंगे किस में हम डेबिट वोचर प्रपेयर करेंगे पहले फिर से समझाऊंगी डेबिट वोचर बनता है ये डेबिट नोट नहीं है आपको कंफ्यूज नहीं होना है डेबिट नोट और डेबिट वोचर में फ़र्क है डेबिट नोट जो ये है ना डेबिट एक मिनट डेबिट नोट जो बनता है ना वो बनता है परचेज रिटर्न के टाइम परचेज रिटर्न के टाइम आपको ख्याल रखना है डेबिट नोट और डेबिट वोचर में फर्क है अब डेबिट वोचर बनता है कैश पेमेंट के टाइम जब हम पेमेंट करते हैं कैश पेमेंट के टाइम बनता है डेबिट वोचर अब आपको क्वेश्चन क्या है आपने रखा याद डेबिट नोट बनता है परचेज रिटर्न के टाइम डेबिट वोटर बनता है कैश पेमेंट के टाइम आपको क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेबिट वोटर डेबिट वोटर इज प्रपेयर हम कब डेबिट वोटर प्रिपेयर करेंगे आपको पहली दिमाग में रखना है मीन्स हमें वो वोटर बना बनाना है जिसमें हमें कैश की पेमेंट करनी है यहाँ पे है पहली ऑप्शन सोल्ड हमने गुड्स को सोल्ड किया जब हमने माल को बेचा पैसा तो वहीं से आएगा यहाँ से हमें पेमेंट नहीं करनी है वहीं से पैसा आएगा सो ये गलत दिस option इज wrong, मशीन सोल्ड हमने मशीन को बेचा वहीं से पैसा आएगा दिस टू इज रोंग इनकम रिसीवड थर्ड ऑप्शन इज इनकम हमने पैसा लिया हमें इनकम आई वहाँ से भी पैसा लिया ये भी ऑप्शन गलत है गुड्स परचेज आप सोचिए जब हम गुड्स को परचेज करेंगे ना हमें पेमेंट लगानी है हमें पेमेंट करनी है उस बंदे को जहां से हम गुड्स को परचेज करेंगे सो द राइट आंसर इज गुड्स इसी के टाइम पे हम डेबिट बनाएंगे, मीन हम कैश की पेमेंट करेंगे अब आप यहां देखें वॉट बिजनेस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलता है नीचे कुछ ऑफिश हैं, आपको बोलना है कि मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट ये प्रूफ देगा ऑफ पेमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन डेबिट नोट पहली ऑप्शन है डेबिट नोट कब बनाते हैं अभी मैं बोल चुकी हूँ डेबिट नोट बनता है जब परचेज रिटर्न होता है परचेज रिटर्न होता है इन कब बनता है इन को बिल भी कहते हैं आपको याद रखना है इन को बिल भी कहते हैं ये कब बनाते हैं जब क्रेडिट परचेज या सेल हो तब इन्वाइस बनता है अब देखते हैं रिसेप्ट कब बनता है रिसेप्ट कब बनता है वो बनता है जब हम पैसे लेते हैं क्रेडिट नोट कब बनता है क्रेडिट नोट बनता है जब सेल्स रिटर्न होता है सेल्स रिटर्न अब आपको अब आपको आया होगा समझ में डेबिट नोट जब परचेज की रिटर्न होती है तो ये पेमेंट का प्रूफ नहीं है इन्वाइस बनाते हैं जब क्रेडिट परचेज या सेल हो तो ये पेमेंट का प्रूफ नहीं है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ये उसका प्रूफ है क्रेडिट नोट प्रिपेयर करते हैं जब क्रेडिट नोट प्रिपेयर करते हैं जब सेल्स रिटर्न हो सो इट्स अ प्रूफ ऑफ सेल्स रिटर्न खाली रिसेप्ट हमें पेमेंट मतलब पेमेंट का प्रूफ देता है सो द राइट आंसर इज रिसेप्ट अभी आसान होगी आप रुकी एक मिनट तो so, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे पेमेंट का प्रूफ खाली रिसेप्ट वोचर देता है सो द राइट आंसर इज़ रिसेप्ट अब आप यहाँ देखें सीरियल नंबर ऑफ वोचर्स शुड बी बोलते हैं जो वोचर्स का सीरियल नंबर होगा ना मतलब पहला वोचर सेकेंड वोचर थर्ड वोचर वो क्या होना चाहिए वो नॉट सीरियल होना चाहिए कंटिन्यूस होना चाहिए रेगुलर होना चाहिए कि ऑड नंबर होना चाहिए वो कंटिन्यूस होना चाहिए क्या होना चाहिए वो कंटिन्यूस होना चाहिए या रेगुलर इसे कहेंगे अगर रेगुलर भी आपको आया वो भी राइट right आंसर है कंटिन्यूस आया वो भी राइट right आंसर है अब यहाँ देखे प्रोसेस ऑफ चैकिंग द इविडेंस ऑफ द एंट्रीज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ चैकिंग द इविडेंस ऑफ द एंट्रीज एविडेंस ऑफ द एंट्रीज वेरिफिकेशन बोलेंगे ऑब्जर्वेशन बोलेंगे इंस्पेक्शन बोलेंगे वोटिंग बोलेंगे उस प्रोसेस को जिसमें हम इविडेंस देखते हैं ना ऑफ द एंट्रीज उसे वोटिंग बोलते हैं इविडेंस ऑफ द एंट्रीज हम क्या देखते हैं ये ट्रांजेक्शन ठीक है कि नहीं कैसे देखते हैं इसके पीछे कोई वोचर बना है कि नहीं सो द प्रोसेस इज कॉल्ड वोचिंग प्रोसेस इज कॉल्ड वोटिंग अब यहाँ देखिए कैश मेमो इज कैश मेमो क्या है ए सोर्स वोचर एन अकाउंटिंग वोचर नीदर एंड बी बोथ ए एंड बी आपको पता ही है कैश वोचर जो है ना इज़ एन अकाउंटिंग वोचर हमारे जो वोचर्स हैं ना इनकी क्लासिफिकेशन होती हैं दो में एक होता है सपोर्टिंग वोचर्स एक होता है अकाउंटिंग वोचर्स अकाउंटिंग वोचर्स की फर्दर क्लासिफिकेशन होती हैं कैश वोचर्स ट्रांसफ़र वोचर्स सो कैश वोचर इज़ एन अकाउंटिंग वोचर आप यहाँ देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिटन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स अकाउंटिंग वोचर्स बोथ ए एंड बी नन ऑफ देस हम किसकी बुनियाद पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं अकाउंटिंग वोचर्स की बुनियाद पे क्योंकि जब हम फिर अकाउंटिंग करते हैं ना इज द अकाउंटेंट हु साइंस द वोचर्स अकाउंटिंग वोचर्स उसी की बुनियाद पे हम अकाउंटिंग वोचर्स को बनाते हैं फिर इन वॉयस इज़ अ सोर्स वॉचर फॉर सेलर ऑफ़ गुड्स इन वॉइस इज़ अ सोर्स वॉचर फॉर सेलर ऑफ़ गुड्स अब इसकी ऑप्शन देखें फॉर कैश सेल फॉर क्रेडिट परचेज फॉर क्रेडिट सेल फॉर कैश परचेज अगर आप पहले देखेंगे ना इन क्या होता है इन वॉयस मीन्स इन जो है ना ये होता है बिल भी ये कब बनाते हैं इनवाइस कब बनाते हैं जब क्रेडिट परचेज हो या क्रेडिट सेल हो तो क्या इन वॉयस इज अ सोर्स वोचर फॉर सेलर ऑफ गुड्स जब एक बंदा बेचेगा गुड्स को वो क्या तब बनाएगा वो बनाएगा फॉर क्रेडिट सेल्स एक सेलर है सेलर क्या करता है वो बेचता है गुड्स को लेकिन इनवाइस किसका बनेगा फॉर क्रेडिट सेल्स सो द राइट आंसर इज क्रेडिट सेल्स सो दिस वाज इनाफ फॉर टुडे मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा थैंक्स फॉर योर पेशेंस थैंक्स फॉर लिसनिंग स्टे ब्लेस्ड